माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर मोस्ट अमेजिंग वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आप लोग सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट ऑन माय चैनल। और आज जो है वो मैं क्रिएट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार लुक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मुझे जो है मेकअप लुक क्रिएट करने का बहुत ही मजा आता है। आज जो है वो हमें गेट रेडी विद मी करेंगे बिकॉज मुझे कहीं जाना है और उसके लिए जो है मुझे एक बहुत ही मजे की लुक चाहिए। तो चलिए साथ में मिलकर जो है वो क्रिएट करते हैं। सो बैकग्राउंड के साउंड को आप लोगों ने अवॉइड करना है क्योंकि हमारे घर के बैक साइड पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है। सो उसमें बीच बीच में आवाज आती रहेगी। सो यहाँ पे साउंड जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मैं वॉइस ओवर जो है वो कर दूंगी। सो स्टेप्स आप लोग देखते रहिएगा, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले जो है वो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर लिया हुआ है। अब हम जनाब मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे अपनी स्किन के ऊपर। तो रेगुलर के स्टेप्स हैं, रोजाना बताना नहीं चाहिए क्योंकि मेकअप के बेसिक स्टेप्स वही होते हैं जो रेगुलर हम करते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं तो मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीम ड्राई होना शुरू हो जाती है। ऑल्दो मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है ड्राई प्लस ऑयली का, तो मैं जो है विंटर्स में जो है वो अपनी स्किन को फुली मॉइस्चराइज रखती हूँ क्योंकि मुझे जो है ये बहुत ज़्यादा इशू है कि विंटर जैसे ही स्टार्ट होता है, फॉल स्टार्ट होने की देर होती है, उसके फ़ौरन बाद जनाब मेरी स्किन जो है वो सही से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिन लोगों को इस तरीके का इशू हो वो अपना वाटर इनटेक मेंटेन रखें, उसके अलावा दिन में जो है वो कहवा वगैरह भी पिया करें। और उसके अलावा मोस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग की स्किन बहुत अच्छी हो, आप लोग के हेयर्स बहुत अच्छे हो, तो मेरी तरफ से आप लोग को एडवाइस है कि आप लोग जो है रात के टाइम नीम गर्म दूध में नीम ऑलिव ऑयल जो है आप उसमें एक छोटी सी चम्मच डाल के जो है वो पिए, उससे आप लोग की स्किन, आप लोग के हेयर्स फुली मॉइस्चर्ड रहेंगे। उसके बाद जनाब मैंने अप्लाई करना है सनस्क्रीन। सो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कहती थी कि अपना वैनिटी टूर दें, अपना वैनिटी टूर दें, तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी अपना वैनिटी टूर जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मज़े मज़े की प्रोडक्ट्स के आपकी सिस्टर की वैनिटी में जो है वो क्या क्या मैंने जमा करके रखा हुआ है। और थोड़ा सा प्राइमर जो है वो हम अप्लाई करेंगे और फ्लॉर्मर का मैटिफाइंग प्राइमर जो है वो मैंने लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मून टच की स्किन हंडी बेस जो है वो लाइट जो है वो लूंगी इस ब्रश की हेल्प से और इसी से जो है वो ब्लेंड भी करूंगी। फ्रेंड्स मुझे अगर कहीं बहुत जल्दी जाना हो तो मैं क्राइलोन को प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज जो है वो उसकी स्किन बेस जो है वो मुझे पसंद आई है, इसको जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि इससे बड़ी ही मज़े की इवन कवरेज जो है वो मिल जाती है। सो नेक एरिया को थोड़ा सा हम कवर करेंगे और ब्रश की हेल्प से ही हमें उसको जो है वो स्प्रेड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ब्यूटी आइकॉन बाय एमएन का जो है मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। आजकल फ्रेंड्स मैं रात को लेट नाइट सोती हूँ इसलिए जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है। ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप लोग जो है वो एक दफ़ा इसको सेटल कर लें। ठीक है, इवनली इसके बाद जी जेनी के लूज पाउडर के साथ जो है वो हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। क्या को सेट करेंगे पाउडर कुशन की हेल्प से।
O2O का आईब्रो जेल जो है वो मैं यूज करी हूँ शेड 02 में, और जस्ट हमने अपने आईब्रोज को जो है वो लाइट सा लाइन करना है इस तरह किस मजे के एंगल ब्रश के साथ। फ्रेंड्स हम इससे जो है वो ब्लेंड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लाइट आई शेडो क्रिएट करेंगे स्मज लुक का। सो यहाँ पे अपने पैलेट में से जो है वो मैं ये वाला शेड उठा रही हूँ और दोनों आईज पर जो है वो इवन ब्लेंड करूंगी। के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रेवोल्यूशन का पैलेट ले रही हूँ और यहाँ पे हमने इस ब्लैक शेड को उठाना है और अपनी लैश लाइन के साथ साथ जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि हमें एक स्मज लुक क्रिएट करनी है अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग। इसलिए हम जो है वो सबसे पहले जो है वो जेट ब्लैक शेड को जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ से जो है वो एक मज़ेदार रस्ट शेड उठाना है और मुझे जो है वो ये वाला शेड ऑरेंज और रस्ट बहुत पसंद आ रहा है। सो इससे जो है वो हमने स्मज करना है ब्लैक शेड को, और उससे जो फ्रेंड्स हमारे मज़े की लुक आएगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी। मेरी सिस्टर्स मुझे मैसेज करती रहती हैं कि आप जो है वो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल बहुत पसंद करती हैं, थैंक यू सो मच, और मुझे मज़ीद कमेंट कीजिए फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी मज़े मज़े के ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइप के ब्रश के साथ जो है वो हमने इसको स्मज करना स्टार्ट करना है। अगर आप लोग का आउटफिट पीच शेड में है तो इस आई लुक को जो है वो आप लोग कैरी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपने पैलेट में से हम इस शेड से जो है वो अपनी क्रीज लाइन को जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेंगे, ताकि हमारे शेड्स जो हैं वो सेपरेट सेपरेट ना लगे बल्कि सेम लुक जो है वो आए। अब फ्रेंड्स हम अपने अंडर आई एरिया को सेट करेंगे इस शेड की हेल्प से, और इस टाइप का हमने एंगल ब्रश जो है वो यूटिलाइज करना है। इस तरीके से हमने अंडर आई एरिया भी जो है वो सेट कर लिया है। सो फ्रेंड्स हमने क्योंकि नॉर्मल कैजुअल लुक करनी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो हाई फाई लुक जो है अवॉइड नहीं करेंगे, लैशेस नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फेस को जो है वो प्रोमिनेंट नहीं करेंगे। मतलब मेरे फेस पर जो मेकअप है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पॉप करता है। तो यहाँ पे जनाब हमने जो सिंपल सा जो है वो मस्कारा जो है वो अप्लाई करना है। आप लोग चाहे तो लैशेज भी इस तरह के लुक के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही फैब लगेगी। लेकिन मुझे जो है वो आजकल लैश ग्लू से जो है ना एलर्जी हुई है। सो वेदर क्योंकि चेंज होता है तो सम टाइम फिर मुझे जो है वो एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए मैं जो है वो आज लैशेज अप्लाई नहीं करूँगी।
फ्रेंड्स, तरह की मजे के लुक क्रिएट करने के बाद जनाब हमने क्रिएट करना है लिप कॉम्बिनेशन। सो लिप कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जनाब प्लॉमर का 408 शेड, और 408 शेड से जो है वो हम थोड़ा सा लिप्स को लाइन कर लेंगे। उसके बाद जनाब फ्लॉर्मर का 404 शेड लेंगे और इससे जो है वो अपने लिप्स में फिलिंग कर लेंगे। और आप लोग चाहें इसमें जो है वो थोड़ी सी शेडिंग भी कर सकते हैं। सो हम इसी शेड के साथ थोड़ी सी शेडिंग इसके साथ करेंगे और थोड़ी सी जो है वो रेड के साथ करेंगे ताकि हमारा शेड जो है वो एक जैसा हो जाए। टू जीरो सिक्स से जो है वो हमने अपने लिप्स के इनर साइड पर जो है वो थोड़ी सी शेडिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम क्योंकि काफ़ी मैट लुक हमने क्रिएट की है इसलिए यहाँ पे जनाब जो हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे वो क्रीम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो मैं CVB की हाइलाइटर स्टिक जो है वो यूटिलाइज कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की है फ्रेंड्स। तो ये फिंगर की हेल्प से ही अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये है जी मेरा कैजुअल मेकअप जो मैंने कैजुअल ड्रेस के साथ करना होता है जब कभी मुझे मार्केट जाना होता है, कहीं पे वैसे ही घूमने फिरने के लिए जाना होता है, तो मैं इस टाइप की मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करती हूँ। और काजल आप लोग ना भी अप्लाई करें, जैसे अपना अंडर आई एरिया सेट कर ले तो बहुत ही ज़्यादा फैब लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जनाब अपनी वैनिटी की आइटम्स, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग को कैसा लगा और किस टाइप की वीडियोज़ जो है वो आप लोग चाहते हैं मेरे चैनल पर। सो आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, कहीं जाना नहीं है। एंड पे आऊंगी मैं अपनी फैब सी लुक के साथ। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ जी आप लोग के सामने अपनी फाइनल लुक के साथ। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर इस तरह के मजे मजे के आर्टिकल वेयर करते हैं लाइट कलर्स में, एलिगेंट कलर्स में, और एलिगेंट और स्टाइलिश ड्रेस, तो यहाँ पे आप लोग नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इसका जो है बड़ा ही मजे का एक कॉलर है। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो है बेसिकली आइडियाज का एक आर्टिकल था जो मैंने मिड सीजन के लिए लिया था। सो पर्सनली मुझे बड़ा ही पसंद था, मुझे वाइब्रेंट कलर्स जो है वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोग भी लाइट कलर्स पहनते हैं तो आज की वीडियो जो है वो आप लोग के लिए थी, जिसमें मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग लाइट कलर के साथ जो है वो किस तरह की मैट लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और फैबलस लग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जनाब हो चुके हैं तैयार जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले फ्रेंड्स, लिबास अच्छा हो और फ्रेग्रेंस अच्छी ना हो ये कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जनाब लाइम लाइट का रेड वेलवेट। सो रेड वेलवेट बहुत ही एग्जेक्टिव और क्लासी किस्म का इनका परफ्यूम है और बहुत ही अफोर्डेबल है। सो आप लोग भी जाके जो है वो जल्दी से परचेज करें और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये वाला आर्टिकल जो है इनका कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, यूजुअली जो लोग परफ्यूम अप्लाई करते हैं वो ज़्यादातर जो है वो ड्रेस के ऊपर करते हैं, दिस इज रॉन्ग वे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपनी नेक के इस एरिया पर एंड देन अपनी बैक पे जो है वो नेक के इस साइड पर जो है वो परफ्यूम को जो है वो अप्लाई करें। इस तरीके से ये होगा कि जो कभी आपसे गले मिलेगा या आपके साथ खड़ा होगा उसे बड़ी ही एक एलिगेंट फील आएगी। सो फ्रेंड्स, मुझे दे दीजिए इजाजत, मुझे बहुत देर हो रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी लुक को रेट करना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।